नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बाघोरिया। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बरकरार रहे। सो दोस्तों पहली जो न्यूज़ है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। रॉयल सोल्जर सर ने कल रात को एक वीडियो डाली है और उन्होंने उसमें ये बताया है कि दिल्ली से भी यूट्यूबर्स की गिरफ्तारी शुरू हो गई है और कल एक यूट्यूबर को उठा भी लिया है पुलिस ने। तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। जो रॉयल सोल्जर सर ने कहा वैसा करके दिखा दिया। अश्लील प्रैंक बनाने वाले यूट्यूबर्स की अब खैर नहीं है। मुंबई से 3 अरेस्ट हुए थे, आज कल दिल्ली से एक गया और एक की बात और है और आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो अभी जो हमारी मुहिम चली है अश्लील यूट्यूबर्स के खिलाफ है, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी के दिमाग में अश्लीलता घोल रहे हैं, गंदे तरीके से छवियां दिखा रहे हैं लड़कियों के बारे में, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, तो पहले मुंबई में 3 अरेस्टेशन हुई, अब दिल्ली का नंबर आ चुका है। नाम बहुत जल्दी आपके साथ डिस्क्लोज करूंगा। एक को पुलिस ने उठा भी लिया है। मैं बाबा वॉन्ट कर रहा था, बहुत लोग शायद हमारी बातों को बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी भी समय है, समझ जाओ। वैसे संभलने का समय बचा नहीं है, अब सीधा एक्शन होगा। और जितने भी लोग हैं फटाफट से अपने प्लेटफॉर्म से सारे अश्लील वीडियो फटाफट से हटाओ, वरना तुम्हारे साथ भी वही अंजाम होगा जो बाकियों के साथ हो रहा है। दोस्तों दूसरी जो खबर है या दूसरी जो अपडेट है, जो हमारे इंडियन हैकर भाई हैं उन्होंने डीफॉरेस्ट चैलेंज की पार्ट 3 वीडियो डाल दी है और उन्होंने उस पूरी वीडियो में दिखाया कि कैसे कैसे वो जंगल में फंसे हुए थे और बचते बचाते बड़ी मुश्किल से वो उस डीफॉरेस्ट से बाहर निकल आए हैं और उनकी पूरी टीम सही सलामत बाहर आ गई है। कितना उन्होंने स्ट्रगल किया पूरी वीडियो में यही दिखाया गया है। आप देखोगे यार, बड़ी मज़ेदार वीडियो है और उनकी पूरी टीम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो इतने अंधेरे में और इतनी खतरनाक जंगल से वो बच के सही सलामत बाहर आ गए। और हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किधर से जाए। कोई सब साथ चलो। ये क्या खाई है क्या? सब साथ रहो। वो कितने भयानक पेड़ है इधर यार। भाई कोई डरेगा नहीं, डराएगा नहीं एक दूसरे को, है ना? ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। आड़ी के ऊपर जाना है। कुत्ते रो रहे हो, ये जल्दी आ जाओ यार। ये कुत्तों की आवाज़, ये कुत्ते ऐसे नहीं रोते। कुत्ते कोई ना वजह से रोते। कुत्ते से बातें करते रहो ताकि किसी को भी, है ना, अजीब सा ना लगे। अबे क्या क्या हुआ, क्या हुआ? पत्थर किसने फेंका? हाँ ओए, इसका मतलब इधर कुछ है। तो गाइस यार, हमें चलते चलते 2 घंटे हो गए हैं। एक सेकेंड पीछे हाँ, लिखो पीछे, आराम से। एक बार आ जाओ यार, सब यार डिसाइड करते हैं आगे करना क्या है। पत्थर? अरे नहीं, वो तेंदुए की खोग नहीं बताते? तेंदुए की खोग जहाँ पे मैं बताता हूँ मांद रहती है। हाँ। तो रुके हुए क्यों तू? सही सलामत निकल गए तो आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। निकलेंगे तो किसी के हाथ फोन लगेगा तो कोई स्टोरी बन जाएगी, और नहीं निकल पाए तो ये वीडियो अपलोड ही नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अपन शुरुआती पॉइंट पे पहुंच गए, 4 बज गए। गिरते पड़ते कैसे भी करते पहुंच गए जिंदा, सब वन पीस में, थैंक गॉड। अगली जो अपडेट है आरकेआर भाई के बारे में है। आरकेआर भाई जो कि हॉन्टेड व्लॉग्स बनाते हैं, उनकी नई वीडियो 12 बजे तक आ जाएगी। शायद हो सकता है कि मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूं उनकी नई वीडियो आ चुकी हो। हॉन्टेड हाउस के नाम पे उन्होंने नई वीडियो डालनी है और ये देखिए उस पर एक उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर बार की तरह ये वीडियो भी काफ़ी हॉन्टेड और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो है शिफू जी सर के बारे में। उन्होंने एक वीडियो डाली है जो कि महाकाल मंदिर की है और वो भगवान महाकाल की पूजा करते हुए उनकी ये वीडियो है। दोस्तों अमित बढ़ाना ने भी एक कम्युनिटी पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने एक फ़ोटो डाली हुई है जिसमें देख सकते हो उनकी नई वीडियो की तैयारियां लग रही हैं, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही हंसी मजाक वाली होने वाली है, ऐसा उस फोटो को देख के लग रहा है। ये देखिए, उस पर लिखा हुआ है नकल्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ कामचोर एंड लोफर स्टूडेंट्स। दोस्तों मुझे लग रहा है कि बहुत मजेदार कंटेंट लेके आने वाले हैं अमित बढ़ाना। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।